Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare ke sare link description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe Trigger Insan Nishchay ka recent video which is trending on number 7 right now aur woh hai worst VFX in Bollywood ever. तमिल पे आदि पुरुष है और जैसे उन्होंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था नागिन वाले वीडियो में कि अगर उसको पर्टिकुलर रीच तक लेके जाएंगे उनके व्यूअर्स तो ही विल बी डूइंग द वीडियो ऑन आदि पुरुष एंड वेल इट्स हियर और मुझे लग रहा है और कोई ज़्यादा भी आई मीन इट्स नॉट जस्ट नॉट गोइंग टू बी क्या हो रहा है इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी आदि पुरुष का VFX बट मुझे नहीं पता. लास्ट वाला वीडियो बहुत मज़ेदार था. उम्मीद करते हैं ये भी इतना ही मज़ेदार होगा एंड दैट क्लिप्स और मीम्स वी आर गोइंग टू बी सीइंग इन दिस आर गोइंग टू बी क्रेजी फनी. ओके लेट्स गो लेट्स गेट इट एंड प्ले. इनसे मिलिए, ये है राजू. राजू एक इंट्रोवर्ट है इसीलिए बचपन से बेचारा सिंगल रहा, सच्चे प्यार के लिए तड़पता रहा लेकिन बेचारे की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी. लेकिन बहुत ही मिन्नतों और बहुत ही शिद्दत के बाद आज फाइनली राजू की अरेंज मैरिज हो गई है और अब राजू के सारे सपने पूरे होने वाले है. राजू अपनी सुहागरात पे अपनी दुल्हन का घूंघट उठा ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक उसकी दुल्हन को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी दुल्हन देखते ही देखते रिसेंटली आई सॉ ए रियली ओल्ड मूवी जो स्क्रीम जैसी थी हमारी हिंदी मूवी कॉल्ड इफ फटके चार होना हैड अ फेस देन दिस इज दैट फेस. पर बेचारे राजू ने मेरी तन्मय भट्ट वाली हॉरर वीडियो सिर्फ बीटी पीटी हो गई. दुल्हन के नाम पे ये ओवरसाइज्ड ट्रिपल एक्सएल वीएफएक्स के नाम पे हग दिया गया हड्डियों का ढांचा जो कि ऐसी आवाजें निकाल रहा है. उसने ब्लाउज पहना ऐसा लग रहा है ब्लाउज एंड शॉर्ट्स. और शो वो भी इतनी ही फनी मूवी थी ज्यादा हॉरर से ज्यादा. मार दिया राजू भाई को मार दिया हड्डियों के ढांचे ने. पर ये हड्डियों का ढांचा ये आवाजें कैसे निकाल रहा है ये 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 असली कौन से आ रहे पुनीत सुपरस्टार. हाँ तो ये कमाल के आपने VFX देखे. आज की वीडियो में हम और ऐसे VFX देखने वाले हैं जिनको देख के यू विल बी लाइक व्हाट व्हाट द ऑलरेडी शुरुआत हो गई इसकी. सांप के इरादे ठीक नहीं. अच्छा तो इस बंदे को लपेट लिया है सांप ने. देखेगी देखेगा तो क्या करने वाला है सांप. स्नेक मूंछ मार रहा है भाई उसको. तुम्हें पता है मेरे कमेंट्स में जरूर एक आधे से सिंगल अफसी होंगे जो बोलेंगे हाय हमसे अच्छी किस्मत तो इस आदमी की है कम से कम सांप की सही पप्पी तो मिली किसी की. तुम हो ना वो दो रुपए वाला टर्मिनेटर तो हमारा नाग जाने दुश्मन का जो भागते भागते में बाइक बन गया है. ओ, वाँ, ओ. और भाई का चश्मा भी आ गया है. नेक्स्ट लेवल शिट ब्रो. I like those glasses. Like some Matrix glasses. और भाई ने बाइक जो है इनसेन एकदम स्टंट मार के गाड़ी के सामने खड़ी कर दी है. बिल्कुल रियल लग रहा है और एकदम उड़ के आया और मार दिया और फिर वापस इंसान बन के निकल भी लिया है. कुछ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जब इंसान नशा कर लेता है ना उसके बाद उसको ऐसे चलचित्र नजर आते हैं. ऐसा मैंने सुना है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. जानी दुश्मन के मेकर से याद आ गया मुझे. नशे की अवस्था में जो है इस फिल्म का जानी दुश्मन निर्माण किया था. एक अच्छा होस्ट होने के नाते वही हो गया. एक्चुअली फर्ज बनता है कि मैं पब्लिक के हर सवाल का जवाब दूं. क्या बात है. हमारे इस शो में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा. अगर आप फिर भी मेरे रूबरू होकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बंदा हाजिर है. सबसे फनी बात पता क्या है, इसी सीन में अक्षय पाजी का एक डायलॉग है. What nonsense? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग. आयरनी देख रहे हो जी, आयरनी हो रही है बहुत भयंकर. अच्छा कौन सी मूवी. मैट्रिक्स पार्ट 69. जानी दुश्मन. ओके फुल एकदम फुल टू सीन. एक्जेक्टली है मैट्रिक्स का पूरा वो भी गंदे VFX के साथ. नो वंडर आई थॉट द ग्लासेस एंड एवरीथिंग लुक लाइक मैट्रिक्स. उसके दिल के अब क्या करेगा.
बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनेटर की भी कॉपी है। इस मूवी के मेकर्स वर लाइक हाइला टर्मिनेटर मैट्रिक्स इसमें क्या नेक्स्ट लेवल है, हमें भी एप्पल पाइनएप्पल थोड़े-थोड़े सीन्स उठा के मूवी बना लेते हैं। बट ये तो काफी पुरानी मूवी है, 2002 की मूवी है, लेकिन अगली मूवी वो तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। फंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। वी गॉट इट। कहां से तुम्हें कहां से लग रहा है कि ये जो है श्री राम जो है ये असुरों से लड़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण नॉट गेम ऑफ थ्रोन्स, जहां पे ये रावण सेना को इन्होंने ये क्या नाइट किंग की आर्मी बना दी है। रावण है ये क्या स्पाइक हेयर वाला भाई, इमो रावण बना दिया। माना टिकटॉक का जमाना है पर टिकटॉकर रावण मतलब कुछ भी। रावण अभी टिकटॉक बनाएगा क्या? What the actual hell is this? रावण तो पुष्पक विमान पे घुमा करता था, राइट? तो ये कौन सा, ये क्या पक्षी, ये ड्रैगन, ये क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन। नॉट सीन गेम ऑफ थ्रोन्स। घटिया वीएफएक्स के साथ 500 करोड़ की बनी है ये मूवी, एंड 500 करोड़ में ये इससे ज्यादा बढ़िया तो वो 2000s वाले टाइम पे रामायण आती थी उसमें दिखा दिया था उन्होंने, तब तो वीएफएक्स होते भी नहीं थे इतने अच्छे। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ बट लोकी बहुत फनी है ये। और इस ट्रेलर का वर्स्ट पार्ट था जो इन्होंने वानर सेना और रावण सेना के वीएफएक्स करे है, ऐसा लगता है कोई कार्टून चल रहा है। सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ये बोलूंगा बट बालवीर इज बेटर देन दिस। कितना कार्टून है यार, और ये रावण सेना के नाम पे ज़ॉम्बीज क्यों बना दिया इन्होंने। सोने की लंका गाइस, सोने की लंका, रावण की सोने की लंका। पर सोना है कहाँ, ये तो कोयले की लंका है, सोना कहाँ पे है? सीरियसली आदि पुरुष विवेक्स। फ्लैश, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे स्लो करूँ तो क्लियरली देख सकते हो कि वरुण धवन का पैर ट्रेन के ऊपर चिपका हुआ है, आर पार जा रहा है ट्रेन के। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि एक आध सीन में तो चलता है, इसके बाद ये द लेजेंडरी सीन जहाँ पे बच्चा जो है पटरी पे बैठा हुआ है, वरुण धवन ने देखा और ट्रेन से भी तेज, फ्लैश से भी तेज भागते हुए आया, और ये वरुण धवन ट्रेन के ऊपर से छलांग लगाई, स्लो मोशन में ट्रेन चलते हुए आ रही है, और ये बच्चे को वरुण धवन ने उठाया और ट्रेन के सामने से उठा के लेकर कूद भी गया, और फिर भी ट्रेन उसको टच नहीं कर पाई। चुप कर बे कुत्ते। ट्रेन पे भाग के ट्रेन के आगे कूद के बच्चे को उठा के रोल रोल करके साइड में निकल लिया, और इतनी देर में ट्रेन वही खड़ी थी। ट्रेन वॉज लाइक हाँ हाँ कर लो भैया, आप ये कर लो, मेरा क्या। कामिनो शर्म करो की दे पदे तुम्हारा सचनाश हो। एक और नए जमाने का सीन देख लेते हैं जहाँ पे नसीरुद्दीन जो है वो गिरे पड़े हैं और कुछ ऊंट उनकी तरफ आ रहे हैं, उनको कुचलने वाले हैं। ओ माय गॉड, कितना रियल लग रहा है। अब क्या करेंगे जॉन भाई? जॉन भाई सारे ऊंटों के ऊपर से उड़ते हुए आ रहे हैं। What movie is this? I'm so happy कि मैंने सब नहीं देखा है। और उनको बचा रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही next level के VFX। तो ये अगली movie है मैं प्रेम की दीवानी हूँ, another cult classic movie जिसमें बिना बात के special effects घुसाए गए थे, मतलब जरूरत भी नहीं थी, बस ऐसे ही डाल दिए। एक कुत्ता जिसका मुंह लाल पीला है। ऋतिक को देख के कोई भी पिघल जाएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। They are not wrong। तोता चश्मे बदूर जाने दुश्मन उसी टाइम पे रिलीज हुई थी जब मैं प्रेम की दीवानियों की शूटिंग चल रही थी, एंड मैं प्रेम की दीवानियों के मेकर्स ने जाने दुश्मन देखी एंड दे वर लाइक आइला वीएफएक्स, भाई वीएफएक्स का ही जमाना है, अपने को भी वीएफएक्स अब डालना ही पड़ेगा। हॉप ऑन द ट्रेंड, हमारी स्टोरी में कहीं पे वीएफएक्स डाल तो सकते नहीं है, क्या करें। एक बेफालतू का कुत्ता वीएफएक्स वाला, एक बेफालतू का तोता वीएफएक्स वाला, ऐसे ही डाल देते हैं जस्ट टू गो विद द ट्रेंड, एंड दे केम अप विद दिस। ओके, तो ये जो मैं तुम्हें नेक्स्ट सीन दिखाने वाला हूँ, ये मेरी बचपन की वन ऑफ द फेवरेट मूवी का है, ठीक है, बादशाह मूवी, शाहरुख सर की, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट मूवी एवर, फुल ऑन कॉमेडी। लेकिन जब वॉच इट अगेन नाउ, था ना ये नॉस्टैल्जिया हमेशा मेरे दिमाग में रहता था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वो भी मैं तुम्हें दिखाऊं। तो ये दीवार पे चिपकने वाले जूते है जिसको पहन के शाहरुख सर दीवार पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड द वीएफएक्स ना। Regardless of this scene, ये movie बादशाह was best. So many like I like anime. All these anime lovers you watching this?
रुद्राक्ष नाम की एक कल्ट क्लासिक मूवी का सीन है जिसके VFX आर जस्ट बेस्ट VFX चूहा ये चूहा बाजे नहीं आ रहा नारुतो प्रो मैक्स प्लस प्लस और यहाँ पे ये शुरिकेन फेंक रही है संजय बाबा की तरफ और वो क्या डोज कर रहे ले हैं ओ माय गॉड स्पाइडरमैन की तरह दीवार पे चढ़ रहे ली है इसको पैर की भी जरूरत नहीं कि नहीं सीधा और फिर गिर के मर गई संजू बाबा ने शट्टी अन्ना को फेंक दिया है कांच के आर पार ओ ये तो वैम्पायर निकली खून चूस रहे लिया बाबा का बाबा ने उसको फेंक दिया और फिर शेट्टी अन्ना कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ आए अब वो दोनों मिलके लड़ रहे हैं और पीछे वो चार चिरांद जो है वो स्लो मोशन में नीचे गिर रहे हैं इसके बाद संजू बाबा शेट्टी अन्ना और उस लड़की से लड़ाई करते हैं उनको मारमूर भी देते हैं और फाइनली जाके आधे घंटे के बाद वो चार चिरांद जो है वो फाइनली लैंड हो ही जाते हैं इससे पहले कि तुम लोग बोलो बॉलीवुड कुछ लोग बुरे चीज पे भी बोलता है हाँ भाई अच्छा बॉलीवुड में साउथ इंडस्ट्री में हॉलीवुड में अगर तुम चाहते हो मैं उनपे भी वीडियो बनाऊ तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो I will see you guys in the next video. Tab tak ke liye. Thanks for watching. Like I suppose बहुत सारी 90s की मूवीज़ अगर आप वापस उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. Like I said, मैंने अभी भी recently I watched Shh. और मुझे एक्चुअली बहुत पसंद थी वो मूवी. आई वॉज ऑलवेज अ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मेनियक पर्सन. छोटी थी तब से आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग दैट जॉनरा. और मुझे याद था ऐसा कुछ मैंने देखा था हिंदी मूवी में बट आई हैड नॉट सीन स्क्रीम दैट टाइम सो आई हैड नो आइडिया. मुझे भी नहीं पता कि कौन सी कॉपी है कौन सी नहीं. बट इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू स्क्रीम एक्सेप्ट फॉर मास्क बदल दिया है. एवरी थिंग इज़ वेरी सिमिलर बट द सस्पेंस एट द एंड ऑफ श वॉज गुड बट इन ऑल इट वॉज लाइक मोर ऑफ अ कॉमेडी मूवी विदाउट ट्राइंग फॉर इट टू बी अ हॉरर कॉमेडी. सो इफ यू गोना गो एंड सी दोज मूवीज ऑब्वियसली उस टाइम की मूवीज फनी ज़्यादा लगेगी बट देर स्टिल मच मोर sorry but kind of I feel I don't know it is me but mere liye to zyada achhi thi abhi ki movies se wo but I loved Phone Booth by the way and I think I'm going to see Kantara abhi so I hope I enjoy that as well but Phone Booth was amazing I really enjoyed it all the references usme agar samajh mein aayenge to zyada mazedar movie hai nahi aayenge to I don't think it will be more fun but yeah I enjoyed this hope you did too and let me know which was your favorite 90s movie 90s अब काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं वो प्रॉब्ली दे आर लाइक रीसेंट जेन जी सो यू कैन स्टिल टेल मी कि आपकी कौन सी पुरानी मूवी है जो आपकी फेवरेट है राइट यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट. मेरी रीसेंट नॉट रीसेंट बट मेरी एक्चुअली फेवरेट मूवी ऑलवेज रही है भूलभुलैया जब से मैंने देखा हुआ है फर्स्ट पार्ट नॉट द अदर वंस बट इफ आई हैड टू गो बैक इन टाइम लाइक इवन द 90s मूवीज I don't know if I can pick one because I know so many movies mein naam de sakti hu jo mujhe bahut achhi lagti hai but if I had to pick one it's not really 90s but I prefer Bhulbhulaiya. Let me know your favorite movie purani wali movie maybe 10 years back 7 years back leave 90s just say that yeah isliye bola because mujhe yaad nahi aa raha yes you are correct and I'll see you guys next time bye berries love you.